हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहाँ आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, हम जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल्स पे सिर्फ एक्सेल की टॉपिक ही नहीं, आपकी प्रॉब्लम का सलूशन भी होता है। और मैंने कल बनाया था एक वीडियो जिसमें हमने पहले क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बताया था। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ये इंटरव्यू का फाइल है, किसी के इंटरव्यू में पूछा गया है और किस सवाल है उस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो पहले वीडियो जो मैंने आपका पहला सवाल का जवाब दिया था, अब दूसरे वीडियो जो आज मैं बना रहा हूँ उसमें हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास डेटा है। अब इस डेटा में यहाँ पे इसका सम चाहिए। लेकिन सम में कंडीशंस ये सारी होनी चाहिए। कैसे करें? तो इसके कई तरीके हैं। अगर सिंपल तरीके की बात करें तो इसको अगर हम हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर देते हैं, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल में ट्रांसपोज कर देता हूँ मैं, और फिर यहाँ पे मैं इक्वल डी सम का फॉर्मूला लगाता हूं। इक्वल डी सम, माफ कीजिएगा कीबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। डी सम हमने डेटाबेस को सेलेक्ट किया जो हमारा डेटाबेस है, उसके बाद फील्ड किसका सम करना है, अमाउंट का करना है, उसके बाद क्राइटेरिया क्या है, ये रहा हमारा क्राइटेरिया। ONE97। लेकिन बहुत अगर आपका डेटा, क्योंकि इसके साथ इसका हेडिंग भी होना चाहिए यहाँ पे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हेडिंग नहीं हो और अलग क्राइटेरिया चेंज हो सके, तब यहाँ पे हमें सम इफ्स नाम का अप्लाई करना पड़ेगा। जी हाँ, सम इफ्स। सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे अपना कॉलन, जिस कॉलम में हमें टोटल करना है। जिस कॉलम का पहली क्राइटेरिया है कि डेटा यस होना चाहिए, तो डेटा वाले फील्ड को सिलेक्ट करते हैं और कॉमा हम यहाँ यस को सिलेक्ट कर लेते हैं। दूसरा है मंथ, मंथ में जैन होना चाहिए तो मंथ को सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा मंथ वाला यहाँ जो मंथ जैन है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तीसरा क्राइटेरिया है कि ईयर, ईयर को सिलेक्ट किया कॉमा और यहाँ ईयर 2014 को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमने तीसरा, हमने स्टेटस को लिया कॉमा, स्टेटस हमारा ओपन होना चाहिए। उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं 197। अब आपकी अपनी पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप यहाँ सम इफ्स का फॉर्मूला लगाएं या डी सम का फॉर्मूला लगाएं, ये आपको अपने ऊपर जो रिक्वायरमेंट है, डेटा का टाइप है, उस पर डिपेंड करता है। वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये हुआ कि आपकी आपकी भी जो प्रॉब्लम होगी किसी तरह का, आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फटाफट मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में पूरी सिक्वेंसली वीडियो चाहिए तो मेरा चैनल को भी सॉरी मेरी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मोबाइल ऐप का, उसको डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।